चीन और भारत दोनों के बीच एक बैठक चल रही है। चौथी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इस वक्त बैठक कर रहे हैं। आपको बताएं कि ये बातचीत चल रही है, सीमा विवाद को लेकर ये बातचीत हो रही है। पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से सेनाओं के बीच तनाव हुआ था, क्या इस बातचीत के जरिए कोई हल निकलेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल होगा। इससे पहले शुक्रवार को भी भारत और चीन के विदेश मंत्रालयों के बीच बातचीत हुई, सहमति हुई। हालांकि इस सीमा विवाद को लेकर पिछले एक महीने से ज्यादा का वक्त है जब से ये तनाव लगातार जारी है। 10 बार की अलग अलग बैठकें हो चुकी हैं, अलग अलग स्तर पर बैठक हुई है, कमांडर और मेजर जनरल रैंक तक के अधिकारी मिल चुके हैं, लेकिन बातचीत नहीं बनी। अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, अभी ये बताइए, ताजा हालात क्या है, क्या खबर मिल पा रही है, क्या बातचीत वहां पर शुरू हो चुकी है, क्या कुछ खबर आ रही वहां से? नवजोत, बातचीत शुरू हो गई है क्योंकि ये चीन के इलाके में बातचीत हो रही है। चिशुल के पास वहाँ पर दो मीटिंग पॉइंट्स है, एक भारतीय इलाके में आता है जहाँ पर कुछ बैठकें होती हैं दोनों सेनाओं के बीच, और दूसरा जो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट बिल्कुल चिशुल के बगल में चीन की तरफ पड़ता है, वहाँ पर भी इस तरह के जो सीमा विवाद होते हैं वो दोनों सेनाओं के बीच निपटाए जाते हैं। तो आज की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तो पहली बार चीन और भारत के इतिहास में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोर कमांडर स्तर की ये बैठक हो रही है, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा कि एक महीने से चीन और भारत की सेनाओं के बीच में आनाकनी बनी हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। इसकी शुरुआत चीन ने की जब अप्रैल के आखिरी हफ्ते में चीन ने सैनिकों का जो जमावड़ा है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, और हथियार भी वहां पर इकट्ठे शुरू किए। तो उसके जवाब में भारतीय सेना ने पहले ही जमीनी हालात को टटोलते हुए अपनी सेना की तादाद भी बढ़ाई है और हथियार भी वहां पर जो है वो लगाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों देशों ने साफ किया है कि सभी मुद्दों को और सभी तनाव को जो है बातचीत की प्रक्रिया से सुलझाया जाएगा। और सेना ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बातचीत है दोनों देशों के बीच में वो दोनों स्तर पर चल रही है, एक तो मिलिट्री स्तर पर ग्राउंड लेवल पर और दूसरी जो है वो डिप्लोमेटिक लेवल पर। तो जाहिर है कि इस बैठक का क्या नतीजा आएगा वो बैठक के खत्म होने के बाद ही सामने आएगा। मंजीत ने कि आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि कल राजनीतिक स्तर की बातचीत हुई, उसके बाद आज अब ये बातचीत हो रही है, क्या ये माने कि इसके बाद जो विवाद है, जो खुद चीन बार बार कहता आया है कि बातचीत के जरिए इस पर सहमति बन सकती है, क्या कोई सहमति बनेगी, क्या चीन तैयार होगा अपनी सेना को वापस लाने के लिए? नवजोत, राजनयिक स्तर पर जो बातचीत हुई है उसके बाद ही इस बैठक के लिए, इस बड़ी बैठक के लिए दोनों देश राजी हुए हैं। जहां तक आज जो मिलिट्री स्तर की बातचीत हो रही है इस वक्त, उसमें एक भारत के जो स्थानीय कमांडर हैं उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी थी जिसमें कहा गया था कि किन किन इलाकों में चाइना ने अपना मिलिट्री जो बिल्डअप है वो बढ़ाया है और कहाँ। तो उन सारी चीज़ों को लेकर अभी जो मिलिट्री कमांडर इस वक्त चाइनीज़ कमांडर के साथ बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पर डिटेल नक्शों के साथ और जो डिटेल जानकारी है वो उनके साथ, उनके सामने रखी जाएगी कि किन किन इलाकों में, अगर एक महीने से, एक महीने पहले की जो स्थिति थी पेंगोंग शोर लेक और उसके अलावा गलवान नाले के अलग अलग इलाकों जहाँ पर चाइना जो लाइन एक्चुअल कंट्रोल के कुछ इलाकों में आकर बैठा है, उसमें पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है, उन सारी मैप के साथ, नक्शे के साथ और जो ज़मीनी जानकारी जुटाई गई है उनको वहाँ पर एक तरह से बैठक में साझा किया जाएगा। और उसके बाद भारत की कोशिश होगी कि पहले की जो स्थिति उस पर चीन को राजी किया जाए।